272 का सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो किसकी मदद से पूरा होगा? 10 साल जैसे राज किया, क्या अब अगले 5 साल वैसे राज चल पाएगा? विपक्ष जिस स्थिति में पहुंचकर मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, क्या वो उतना कंफर्टेबल तरीके से सरकार चलाने देगा कि 240 के बाद 272 तक जाने के लिए जो 32 सीटें चाहिए, क्या वो 32 सीटें 32 पोर्टफोलियो के रूप में तो नहीं बदल जाएंगी कि एम के साथ साथ इस बार एन फैक्टर की एंट्री हो रही है? कि क्या नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 साल तक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार चलाई, क्या वो 240 सीटें लेकर इन दोनों सहयोगियों यानी एन फैक्टर को अपने साथ जोड़कर जो सरकार बनाएंगे, क्या उसे उतना स्ट्रांगली चला पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट में आज फिर से हाजिर हूं आपके साथ उस खबर को लेकर जिसकी सबसे चर्चा होती है हफ्ते में। इस बार चर्चा किस चीज की? इस बार है हमारे देश की सरकार की चर्चा। कौन बनाएगा सरकार, किसकी सरकार बनेगी, ये तो चीजें बहुत सारी साफ हो चुकी हैं, लेकिन एक नई बात क्या है कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मगर एक खास बात क्या है इसमें कि एम के साथ साथ इस बार एन फैक्टर की एंट्री हो रही है। एन फैक्टर से मेरा मतलब है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नायडू और नीतीश की एक केमिस्ट्री के बिना एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनना मुश्किल हो गया, क्योंकि 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, जबकि एनडीए ने 300 को टच करने के बाद थोड़ा सा पीछे स्लिप लिया। अब सवाल यह उठता है कि 272 का सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो किसकी मदद से पूरा होगा? ये मदद कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं उनकी मदद, और बिहार में नीतीश कुमार। अब ये दोनों नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 साल तक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार चलाई, क्या वो 240 सीटें लेकर इन दोनों सहयोगियों यानी एन फैक्टर को अपने साथ जोड़कर जो सरकार बनाएंगे, क्या उसे उतना स्ट्रांगली चला पाएंगे? क्या जो गठबंधन के समझौते होते हैं वो उनके रास्ते में आड़े तो नहीं आएंगे? क्योंकि चाहे आप राम मंदिर को लेकर देख लें, चाहे 370 को देख लें, चाहे CAA को देख लें, चाहे फिर आप ट्रिपल तलाक को लेकर देख लें, ऐसे कितने ही फैसले होंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कभी भी सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि नंबर गेम उनके पास था। 303 का आंकड़ा 2019 में था, तो उसके बाद किसी भी सहयोगी या फिर किसी अन्य गठबंधन की जरूरत का कोई मतलब नहीं रह जाता था उनके लिए। लेकिन 10 साल जैसे राज किया, क्या अब अगले 5 साल वैसे राज चल पाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। और इसकी वजह भी है। वजह यह है कि बेशक एनडीए सरकार बना रहा है, लेकिन बीजेपी की कहीं ना कहीं इतने काम करने के बावजूद, इतने बड़े बड़े फैसले करने के बावजूद, खासकर राम मंदिर और 370 जैसे ये दो बड़े काम होने के बावजूद, आखिरकार जो स्थिति हुई है उसके बाद विपक्ष जिस स्थिति में पहुंचकर मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, क्या वो उतना कंफर्टेबल तरीके से सरकार चलाने देगा जितने कंफर्टेबल तरीके से, या ये कहें कि जितने रिलैक्स्ड अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी या उनकी कैबिनेट चलाती आई है पिछले 10 साल से। ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, ना सिर्फ एनडीए की, ना सिर्फ बीजेपी की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि एक आदमी होता है जो अपने घर में हर चीज अपने हिसाब से कर लेता है, क्योंकि वो उसका प्रमुख होता है, लेकिन जैसे ही उस आदमी के पास किसी दूसरे के साथ अपना घर शेयर करना पड़ता है और फिर उसको उसी घर में अपने पहले वाले अंदाज में रहने का मौका मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सवाल यह है कि जिस तरह से नतीजे आने के बाद 4 जून की शाम को बीजेपी ऑफिस से नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो विरोधियों को हो या फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या फिर बड़े फैसलों के इंतजार में बैठी जनता को,
उन्होंने कहीं से भी निराश नहीं किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रहार भी होगा, बड़े फैसलों के लिए भी इंतजार कीजिए, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन उनको ये पता था तब तक कि गठबंधन के सहयोगी यानी एन फैक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अब सवाल ये है कि 240 के बाद 272 तक जाने के लिए जो 32 सीटें चाहिए, क्या वो 32 सीटें 32 पोर्टफोलियो के रूप में तो नहीं बदल जाएंगी? मेरे कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर अपने इस चरण में, इस उम्र के पड़ाव में, इस मौके पर जब उन्हें सत्ता का सबसे बड़ा हिस्सा मिल सकता है, उसके लिए कितना नेगोशिएट करेगा? एनडीए के जो सहयोगी दल हैं या जिन्हें हम घटक कह देते हैं, वो सरकार में शामिल होने के लिए कौन कौन सा पद लेंगे? क्या डिमांड रखेंगे या मोदी साहब पर सब कुछ छोड़ देंगे? क्या पोर्टफोलियो मोदी साहब के हिसाब से कोई फॉर्मूला बनाकर तय कर दिए जाएंगे, या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या शिवसेना शिंदे ग्रुप या पवार ग्रुप कहकर पोर्टफोलियो मांगेगा? क्योंकि सबसे बड़ी आंख होती है, डिफेंस हो गया, वित्त हो गया, रेलवे हो गया, इंडस्ट्री हो गया, होम हो गया, इस तरह की बहुत सारे, शिक्षा हो गया, ऐसी बहुत सारी पोर्टफोलियोज होती है जिन पर हर दल कहता है कि अगर मेरा मौका लगेगा तो मैं तुरंत ये मांग लूंगा। ये मौका पिछले 10 साल में नहीं लगा। बीजेपी ने जिस अपने घटक को जो पद बनता था, चाहे वो अकाली दल था, शिवसेना थे या कोई भी दूसरे दल थे, जेडीयू था या अन्य थे, उन सबको वो चीजें दे दी जो उनको लगता था कि उनकी सेहत के लिहाज से भी ठीक है और बीजेपी की सेहत के लिहाज से भी ठीक है। लेकिन इस बार बीजेपी की सेहत को ठीक रखने के चक्कर में एनडीए अपनी सेहत बनाने की कोशिश करेगा। जो घटक जुड़ेंगे वो घटक कुछ तो ऐसा मांगेंगे या बार बार जब भी मौका आएगा वो चेताने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे जो उन्हें 10 साल में कहने का मौका नहीं लगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह सरकार चलाते रहे, लेकिन गठबंधन के सहयोगी क्या अपने आप को महत्वपूर्ण होता उनकी सरकार में नहीं देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, उनको भी मौका मिला है। अब नीतीश कुमार जहां पहुंच चुके हैं, अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं, अगर मान लीजिए कि उनका मुख्यमंत्री पद में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ कि इतने साल से, तो हम 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री ही तो बनते आ रहे हैं, तो क्या वो कोई बड़ा पद मांग सकते हैं? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जब ये नेगोशिएशंस खत्म होंगी और उसके बाद समर्थन का जो लेटर दिया जाएगा बीजेपी को एनडीए की तरफ से, सभी पार्टियां अपना अपना देती हैं, फिर उसे जाकर राष्ट्रपति को दिया जाता है और नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया जाता है और फिर उनको इनवाइट किया जाता है वोट के लिए। अब ऐसे में बीच में जो होगा, जो शर्तें होंगी, नेगोशिएशंस होंगी, उसके बाद इंडिया अलायंस भी चुप तो नहीं बैठेगा। शाम को 6 बजे उनकी बैठक है, वो इस ताक में रहेगा कि कौन सा दल, कौन सा एनडीए का घटक बीजेपी से नाराज होता है या फिर बीजेपी को बताई शर्तों पर अगर वो खरी नहीं उतरती है तो उस वजह से छिटकने की स्थिति में है। ऐसे में एनडीए उसको लपकने की कोशिश करेगा और जब एन फैक्टर हो या फिर कोई दूसरे घटक हो, उन्हें जिस साइड से ये लगता हो कि सरकार बन रही है और उन्हें सरकार में बड़ी हिस्सेदारी मिल सकती है, वो छलांग लगाकर उस तरफ चले जाते हैं। ये पहले भी इतिहास रहा है, इस तरह के फॉर्मूले कहीं निकाले गए। लेकिन गठबंधन की सरकार चलाना एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पूरे इतिहास के पन्ने खंगाल कर देख ले तो जब भी बड़े बड़े फैसले या कोई सरकार शांत रही और बड़े बड़े मसले हुए तो वहां पर कोलिजन गवर्नमेंट थी, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं थी। एक पार्टी की सरकार में बड़े फैसले लेना पार्टी के लिहाज से, पार्टी के मैनिफेस्टो पर और व्यक्तित्व के हिसाब से फैसले लेना आसान रहता है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन के सहयोगी कई मामलों में बड़ी टांग खिंचाई करते हैं, हरदम कान पकड़ कर रखते हैं और उनसे कान छुड़ाने की कोशिश आपने की नहीं और आम चुनाव की घंटी दोबारा बजी नहीं, या फिर आपके विरोधियों ने उनको लपका नहीं और आपकी सरकार के गिनने के चांस बने नहीं और विरोधियों की सरकार खड़े होने के चांस तैयार हो गए। इस तरह के कई समीकरण बन जाते हैं। इसलिए हम जैसे लोग
या आप जैसे सुनने वाले ये सवाल उठा देते हैं कि भैया ऐसा हो पाएगा, भैया वो क्या मांगेगा, भैया वो इस शर्त पे मान जाएगा, भैया वो गड़बड़ तो नहीं कर देगा एक साल बाद। ये सवाल आपके, मेरे, यहाँ तक कि जो लोग ये सरकार बनाने जा रहे हैं उन सब के मन में होंगे। हो सकता है इनमें से कोई एन फैक्टर वाला लोकसभा का अध्यक्ष पद भी मांग ले, उसके पीछे भी एक वजह हो सकती है। सब जानते हैं कि बीजेपी के साथ जो लोग गए उनके बहुत सारे लोग तावड़े की रणनीति का शिकार हो जाते हैं। आप कहेंगे तावड़े का नाम कहां से आ गया? अरे देखिए, 80 से ज्यादा लोगों को उन्होंने दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यहां तक कि कांग्रेस के, मैं रवनीत सिंह बिट्टू जैसे परिवारों को जानता हूं जो कि पैदाइशी कांग्रेसी परिवार थे, वो भी इस बार बीजेपी के टिकट पर लुधियाना से चुनाव लड़े, बेशक हार गए। लेकिन बीजेपी कैसे खांटी कांग्रेसियों को अपने साथ शामिल कर सकती है, ये उसकी मिसाल मैं एक बता रहा हूं। तो चाहे एन फैक्टर वाले हो या बाकी घटक हो, उनको ये खतरा तो बना ही रहता है कि कहीं मेरा कोई भी नेता, मेरा कोई भी सैनिक किसी और सेनापति के नीचे जाकर तो नहीं भर्ती हो जाएगा, ये डर रहेगा। इसलिए हो सकता है कि इन दोनों दलों में से या कोई ऐसा दल जिन दोनों के साथ एन फैक्टर की अच्छी दोस्ती हो, वो उनको बोल दे कि लोकसभा का अध्यक्ष पद इन्हें दे दो। ये इस तरह के कई फैसले अब आने वाले टाइम में आएंगे आगे, और ऐसी डिमांड्स आगे आएंगी जिसमें ये लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें एक सशक्त और स्ट्रांग छवि वाला माना जाता था, कहीं उन्हें बार बार सोचने का मौका मिलेगा, बार बार सोचना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि मनमोहन सिंह की अगर बातों को आप याद कर लें तो उन बातों की दोहराई का वक्त अब आ गया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो गठबंधन के समझौते होते हैं उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, या गठबंधन की सरकार में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, शायद वो वक्त आ गया। और खासकर उन स्थितियों में अगर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे होते और मान लीजिए कि उन्हें इस सहयोग की जरूरत पड़ती, तो हम सब ये सवाल ना उठा रहे होते ना किसी के जहन में आ रहे होते। लेकिन 10 साल तक सशक्त सरकार चलाना, स्ट्रांग सरकार चलाना, बड़े बड़े फैसले लेना और उसके बाद बहुमत ना होने के बाद सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाना, ये एक बड़ा चैलेंज है। मैं कहूँगा एक अग्नि परीक्षा भी है। अगर इस अग्नि परीक्षा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास हो जाते तो फिर ये माना जाएगा कि वो सहयोगियों को भी पूरी तरह से साथ लेकर सरकार चला सकते हैं, और अकेले अगर बहुमत मिलता है तो उसमें तो कोई सानी ही नहीं बड़े फैसले लेने के लिए नरेंद्र मोदी का। इस तरह की बातें होने लगेंगी। लेकिन फिलहाल आज की घड़ी में चैलेंज बड़ा है गठबंधन के सहयोगियों को साथ रखना, उनकी डिमांड्स को पूरा करना, और जब भी कोई चैलेंज आएगा सरकार के बीच में उस चैलेंज के वक्त इन घटक दलों की नाराजगी या इनकी असहमति के बिना कड़े फैसले ले लेना। क्योंकि जिस तरह के फैसले इस चुनाव से पहले हुए हैं उसको लेकर हो सकता है कि इन क्षेत्रीय दलों को कोई बड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि अक्सर क्षेत्रीय दल बड़े राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़े हैं, एक बार नहीं कई बार भारी पड़े हैं। और इस बार भी जो देखने में आया है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने इलाके में चुनाव लड़ा है। और कई जगह तो जैसे ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने अगर बीजेपी के साथ उनका कांटे का मुकाबला था, या मान लीजिए कि प्रचार के दौरान सरधड़ की बाजी लगी हुई थी, तो उसमें ममता बनर्जी अपने आप को शिखर पर रखने में काफ़ी हद तक कामयाब रही हैं। बीजेपी की ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में सीटें घटी बल्कि ममता बनर्जी ने अपनी सीटें बढ़ा भी दी वहाँ पर, जबकि माना ये जा रहा था कि शायद ऐसा ना हो पाए, लेकिन नतीजे उसके उलट आए। अब ये स्थिति बनी क्यों? बड़ी बात ये, नरेंद्र मोदी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर थे, आगे बनने जा रहे हैं, लेकिन एनडीए के आगे उनको इतना मजबूर क्यों होना पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिन राज्यों से बीजेपी ये मान रही थी कि उन्होंने काम किए, उनकी सरकारें हैं, वहां से वो रिजल्ट नहीं आए, लोगों ने वो जनादेश नहीं दिया जिसकी बीजेपी हमेशा से उम्मीद कर रही है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी में जो हाल हुआ है उस तरह का हाल बीजेपी का होगा। मतलब गिरते पड़ते कम से कम माना यह जा रहा था कि 50-55 सीट तो आ ही जाएंगे, लेकिन यहां तो 40 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है,
यानी जितनी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीटें आई हैं, अगर उसे हम कन्वर्ट कर दें विधानसभा में और विधानसभा की सीटों में, तो ऐसे लगता है कि लगभग लगभग सरकार ही बन गई उनकी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। योगी यूपी में कितने उपयोगी रहे, इसका हिसाब तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जब सरकार बन जाएगी तब करना पड़ेगा। और किस तरह के चैलेंजेस यूपी में आने वाले हैं, या किस तरह से वहां पर दोबारा से बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन, सियासी जमीन हासिल करेगी, इस बात को लेकर तो संघर्ष होगा ही। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को किनारे करके, शरद पवार को किनारे करके, शिंदे और अजीत ने जो करिश्मा किया है, फडणवीस ने जो अपना नया इंजीनियरिंग की है पॉलिटिक्स की, उससे बहुत फायदा होगा एनडीए को। लेकिन हुआ क्या? वहां बड़ा नुकसान हुआ, और उस बड़े नुकसान का ही नतीजा है कि फडणवीस तो यहां तक जा रहे हैं कि इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए वो तो इस्तीफा तक डिप्टी सीएम की कुर्सी से देने के लिए तैयार है। लेकिन कहां कहां ये सब करेंगे? आप हरियाणा आ जाइए, 10 की 10 सीटें ले गए थे, जबरदस्त काम था। 10 साल से वहां पर राज्य में भी बीजेपी की सरकार चल रही है, जेजेपी के साथ गठबंधन के साथ उन्होंने अभी पिछले 5 साल से सरकार चला रहे थे। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां 5 सीटें रह गई, मुख्यमंत्री बदला, उसका भी फायदा नहीं मिला। राजस्थान में देखिए, माना जा रहा था कि सारी की सारी सीट उनकी है, लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे की नाराजगी मुझे लगता है कि भारी पड़ गई। वसुंधरा राजे के साथ जो हुआ, नया मुख्यमंत्री वहां बनाया गया, शायद ये नयापन देने के चक्कर में राजस्थान में नुकसान हो गया। और खासकर अगर यूपी, हरियाणा की कुछ बेल्ट और हम राजस्थान की बात करें, तो माना जा रहा है कि राजपूत वर्ग में एक बड़ी नाराजगी थी, इसका भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। सो सवाल ये है कि वो कौन कौन से राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, सब जगह से बीजेपी ने नुकसान की कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो हुआ। जैसी उम्मीद पश्चिम बंगाल में थी, वैसा रिजल्ट आ नहीं पाया। 303 सीटों में अगर हम देख लें, इन 5-6 राज्यों को हम जोड़ लें, तो ऐसा लग रहा है कि भाई हर जगह सीटें घटती चली गई और आंकड़ा पीछे चला गया। अब सवाल ये था कि अब की बार 400 पार वाली बात थी और 370 बीजेपी अपना टारगेट मानकर चल रही थी, तो उसके लिए क्या काम हुआ? शायद मुझे ये लगता है कि जो सहयोगी दलों को जोड़ने की, चाहे वो तावड़े की टास्क फोर्स थी या फिर एनडीए की पिछले साल हुई एक मीटिंग थी, उसमें जिस तरह से दलों को जोड़ने की 2023 में कोशिश की गई थी, बीजेपी को ये लगता था कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी राज्यों में हावी हो जाए तो कहीं उनको लोकसभा में नुकसान ना हो, इस तरह का अंदेशा शायद कुछ लीडरों को था, इसीलिए उन्होंने अपने घटकों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। ये अलग बात है कि पंजाब में अकाली दल के साथ उनका खेल बनते बनते इसलिए बिगड़ गया क्योंकि बीच में ही किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो गया, तो अकाली दल भी एक कदम सोचता रह गया। और अब जो है, बेशक बीजेपी के लिए वोट परसेंटेज बड़ा है पंजाब में, लेकिन वहां नुकसान हुआ। पर पिछले कई साल से अगर हम देखें कि जब से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था एनडीए पार्ट 2 में, तो उसके बाद से आज तक अकाली दल जब भी नेड़े आना चाहता है, जब भी नजदीक आना चाहता है बीजेपी के, वो किसानों की आंदोलन या किसानों की प्रॉब्लम्स के चलते नजदीक नहीं आ पा रहा है। सो दोनों एक नहीं हो पा रहे और पंजाब में इनको नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों की भरपाई करने के लिए इस बार आपने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह थे, दोनों ने दबाकर साउथ की विजिट्स की, साउथ के लोगों को इंपॉर्टेंस दी और साउथ को अपना घर बनाने की कोशिश की, ताकि वहां की सियासत जो है वो क्षेत्रीय दलों की बजाय उनकी तरफ घूमे, या फिर जो इंडिया गठबंधन वहां पर पकड़ रखता है उस पकड़ को कमजोर किया जाए। नॉर्थ ईस्ट में भले ही उन्हें कामयाबी मिल गई, लेकिन दक्षिण में ये कामयाबी नहीं मिली। डीएमके एक बार फिर स्ट्रांग क्षेत्रीय दल के रूप में उभर कर आया, बेशक तमिलनाडु में जितनी मर्जी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन वहां पर जो नतीजे आए हैं उसको देखते हुए कोई बहुत बड़ी आस उम्मीद की नहीं जा सकती। अन्नामलाई के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ बीजेपी को वहां दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहां कोई करिश्मा हो नहीं पाया। सो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एनडीए की सरकार चलाने में अब किस तरह के चैलेंजेस हैं? बेशक एनडीए की सरकार पहले भी चली, लेकिन उसमें चैलेंजेस इसलिए नहीं थे कि बीजेपी का कद बहुत बड़ा था और बाकी के घटक दलों की स्थिति
तकरीबन ना के बराबर थी। वो साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो साथ ना भी रहते तो भी बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक अपनी छवि को ठीक रखने के लिए बीजेपी ने अपने घटकों को साथ रखा, लेकिन अब परिस्थितियां उलट हैं। अब वही घटक दल, वही एन फैक्टर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई निर्दलीय जो बीजेपी को सूट करता हो वो भी बीजेपी में आना चाहे तो उसका भी खुले दिल से स्वागत होगा, क्योंकि जब भी लंबी सरकार चलानी होती है और उसमें दिक्कत आती है, बड़ा कोई दल खिसक जाता है या उसकी असहमति होती है। मान लीजिए कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ही बीजेपी का अलग स्टैंड है और चंद्रबाबू नायडू का अलग स्टैंड है। जातीय जनगणना को लेकर अगर बिहार में बीजेपी का और जेडीयू का स्टैंड अलग अलग होता है, तो फिर इन स्थितियों में क्या होता है कि क्षेत्रीय दलों की कोशिश रहती है कि वो अपने क्षेत्र के वोटर्स के साथ जाएं, वो अपने इलाके की जनता को देखें। ऐसे में नेशनल इंटरेस्ट को लेकर काफी प्रभाव पड़ता है और नेशनल इंटरेस्ट और रीजनल इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए एनडीए के एन फैक्टर और बाकी घटकों को अपने साथ रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। यही चैलेंज, यही नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े फैसले अगले आने वाली नई सरकार में किस तरह से होंगे, इस पर आपकी भी नजर रहेगी और हमारी भी नजर रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि हम नई सरकार और पिछली 10 साल की सरकारों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग होगा, किस तरह के पोर्टफोलियो होंगे, कैसे एम फैक्टर के साथ साथ अब एन फैक्टर भी महत्वपूर्ण हो गया है, ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहे थे आपको। आप समझ भी गए होंगे, और अगर अब भी ना समझ आया हो तो आने वाले टाइम में हमारे देश की सरकार और पॉलिटिक्स जैसे जैसे आगे चलेगी तो आपको ये मेरी बातें और भी आपस में कनेक्ट करती हुई, समझाती हुई प्रतीत होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतना ही। पब्लिक इंटरेस्ट में आप एबीपी न्यूज पर रोज रात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जुड़ते ही हैं, आगे भी जुड़ते रहिए। आपके मुद्दों को हम आपके सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं, देश के सामने रखते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट छोटी आवाज का बड़ा मंच है। बहुत बहुत शुक्रिया।